हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर डेमोक्रेसी के आगे के जो पार्ट हम पढ़ रहे थे वो सीखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दे रखा है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें मीनिंग भी तो पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन विच द कंट्रोल ऑफ अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पब्लिक एंड द रूलर एंड नॉन रूलर आर द सेम। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म डेमोक्रेटिया विच मीन्स पॉपुलर गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी का एक ही मतलब है कि जो पावर है वो आपको किससे मिले, पब्लिक से मिले। पब्लिक मतलब जैसे हमें। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी लीडर को चुनते हैं तो इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, तो पावर किसके अंदर है, पब्लिक के अंदर है। कोई भी अथॉरिटी अगर आएगी, कोई भी गवर्नमेंट अगर बनती है तो किसकी पावर से, पब्लिक की पावर से बनती है। इसे डेमोक्रेसी कहा गया है। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड एक डेमोक्राटिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, पॉपुलर गवर्नमेंट। इट इज़ कॉइंड फ्रॉम टर्म डेमोस मीन्स पीपल एंड क्राटोस मीनिंग पावर एंड रूल। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर ऑफ इलेक्ट देयर लीडर्स, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस डायरेक्टली और थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो ये बात है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है, पब्लिक में होती है, जो गवर्नमेंट को बनाते हैं। ठीक है, यही डेमोक्रेसी की स्पेशलिटी है। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट, क्या द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द एंशियंट ग्रीस। द डेमोक्रेटिक सिस्टम इमर्ज इन द ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस वेयर ऑल द एडल्ट मेल पॉपुलेशन फॉर्म्ड अ बॉडी कॉल्ड द असेंबली। दे पार्टिसिपेटेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डायरेक्टली। अबाउट 600 BC in India, many small states called Mahajanpats developed. While some of these states were ruled by a king, others were ruled by representatives. So student, आप जब पढ़ के आए होंगे क्लास सिक्स में, तो आपने पढ़ रखा होगा हिस्ट्री में महाजनपद वगैरह के बारे में। सो स्टूडेंट, पहले क्या होता था, जो एंशियंट टाइम था, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं थी। क्या करते थे, कुछ राजा अपने क्षेत्र में कोई जगह को घेर लेते थे और वहाँ पर अपना क्या करने लग जाते, राज करने लग जाते थे। ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी में नहीं आएगी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इक्वलिटी होना चाहिए, सभी को वोट डालने का और गवर्नमेंट चुनने का अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए। ओके, लेकिन पहले क्या होता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई भी किंग आए, अपनी पावर दिखाई, इफेक्ट क्या होता था कि वो अपने गवर्नमेंट चलाता था। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में क्या हुआ कि जो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, वो इंडिपेंडेंट हुआ 1776 में, ये देखिए, और उन्होंने क्या एडोप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा रहेगा डेमोक्रेटिक है 1787 में। तो सबसे फर्स्ट किसने किया था, 1776 में अमेरिका ने किया था। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ने। अब फीचर्स भी देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी की जो फीचर्स क्या है। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो US के प्रेसिडेंट थे, ओके, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब्ड किया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी बताया उन्होंने, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। याद होना चाहिए आपको, एक गवर्नमेंट जो कि किसके, पीपल, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा, मतलब पीपल्स, बाय द पीपल्स एंड फॉर द पीपल, मतलब पीपल्स के लिए, यही क्या है, डेमोक्रेसी। ओके, तो यहाँ पर भी उन्होंने भी बताया है कि जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में पावर रहेगी वो पब्लिक ही रहेगी। जो गवर्नमेंट रहेगी वो पब्लिक बनाएगी और पब्लिक ही उस गवर्नमेंट को क्या कर सकती है, हटा सकती है। तो गवर्नमेंट कैसे बनाएगी पब्लिक, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए पब्लिक को क्या है, कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बोल सकते हो कि कुछ डायरेक्शन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वोट करना है, इलेक्शन देना है, तो इलेक्शन जब होते हैं तो आपको क्या करना है, वोट डालना है। वोट डालने के लिए चाहे मेन हो या वुमन हो, दोनों को इक्वलिटी दी गई है हमारे इंडिया में, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी दी गई है, जिसमें 18 ईयर अबव के, यहाँ पे दे रखा है आपको 18 ईयर ओल्ड, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन में अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आपको आगे बताएंगे, क्या बताएंगे, इवन सिटीजन द कंट्री हैज़ रोल इन शेपिंग। जो सिटीजन्स रहते हैं, जो कंट्री के सिटीजन रहते हैं, उनके हाथ में है कि वो कौन सी, कैसी गवर्नमेंट चुने, ठीक है, क्या शेप दें अपने कंट्री को। ठीक है, सही गवर्नमेंट चुनना, गलत गवर्नमेंट चुनना, सब उन्हीं के हाथों में है। ठीक है, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वॉज शॉट बाय जॉन विल्केस बूथ वाइल अटेंडिंग अ प्ले एट द फोर्ड थिएटर इन वॉशिंगटन DC। ही डाइड द नेक्स्ट डे ऑन अप्रैल। आपको बताया गया है अब्राहम लिंकन के बारे में, ठीक है, डेथ हुई उनकी कब हुई, ये आपको बताया हुआ है, कोई खास नहीं है इतना आपके लिए। ठीक है, अब आएगा आपका डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है, तो वैन पीपल एक्सरसाइज द राइट टू वोट एंड इलेक्ट द लीडर, इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या होती है कि जो कोई पीपल होते हैं उन्हें वोट डालने का जब राइट मिलता है और वो वोट डालते हैं और अपने लिए कोई गवर्नमेंट चुनते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बट इफ़ द लाइफ ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री इज फील्ड विद वेरियस फॉर्म ऑफ इनजस्टिस, दैट सोसाइटी कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक। लेकिन स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है जिससे सोसाइटी वाले या जो कंट्री वाले लोग हैं वो क्या रहते हैं, खुश नहीं रहते, तो हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, मान लीजिए कुछ चुनाव हुए नहीं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट बना रहे हैं, ठीक है, अपने पावर से बनाए, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी। डेमोक्रेटिक मतलब आपके जो वहाँ की पीपल है वो भी खुश होना चाहिए, उनके हेल्प से ही, उनके वोट से ही आप क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट बननी चाहिए।
ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीट इक्वली, और हमारे जो हैं मैन और वुमेन उन्हें इक्वलिटी देना ही एज ए ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नो वन शुड बी अलाउड टू इन्जॉय मोर प्रिविलेजेस देन अदर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। किसी को भी, कोई चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, उन्हें कोई आपको स्पेशल फीचर्स नहीं दिए हुए हैं कि वो इन्जॉय कर सके उन्हें, ठीक है। सभी को इक्वलिटी दी गई है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होता है? सो स्टूडेंट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में आपको लिबर्टी एंड इक्वलिटी सबसे सबसे टू इंपॉर्टेंट होते हैं, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब बराबर, और लिबर्टी मतलब क्या होना, इंडिपेंडेंस होना। तो अगर मान लीजिए आपको इक्वलिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, तभी आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। इसी को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बोलते हैं। न किसी को एडवांस या किसी को ज़्यादा पावर देना, नहीं किसी को कम पावर देना, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल ग्रोथ होना, यही क्या है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आल्सो मींस नो एक्सप्लोइटेशन, इट मींस वर्कर्स शुड नॉट बी एक्सप्लोइटेड बाय ओनर। एंड तो जो वर्कर्स वगैरह रहते हैं वो भी क्या है कि जो ओनर वगैरह रहते हैं उनके द्वारा को एक्सप्लोइटेड वगैरह नहीं किए जाएंगे, उन्हें भी इक्वलिटी मिलेगी। वहाँ पर भी इसमें भी चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, कंपनी में, वहाँ पर भी मैन एंड वुमेन को क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। यही क्या है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ओके स्टूडेंट्स।